हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी। ये है NYB के इल्यूमिनेटर एंड ये इस पैकेजिंग में आते हैं। रियली सॉरी, मैंने इनकी पैकेजिंग खोल दी हुई है। एक की पैकेजिंग है मेरे पास, एक आई गेस मैंने थ्रो कर दिया था। NYB का नाइट स्काई इल्यूमिनेटर है ये, और इसका रिव्यू शेयर करूंगी। बाय द वे, मैंने अभी अभी इनका रिव्यू शेयर किया है, लेट मी शो यू। ये है NYB के लॉन्ग आइलैंड कोल पेंसिल्स हैं। इनका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर नहीं देखी वीडियो, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो डियर, NYB के ऊपर आज ऑफर चल रहा है। आज उनकी वन ईयर सेल, मतलब वन ईयर हो चुका है purple.com पे NYB का, तो उसकी सेलिब्रेशन पे इन्होंने 50% ऑफ रखा है। अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदोगे तो 10% ऑफ, अगर आप तीन खरीदोगे तो 20% ऑफ, फाइव प्रोडक्ट्स खरीदोगे NYB के तो आपको 30% ऑफ, एंड अगर आप सेवन खरीदोगे, एक्चुअली मैं भूल जा रही हूँ, सेवन खरीदोगे तो आपको 40% ऑफ, एंड अगर आप नाइन खरीदोगे तो 50% ऑफ मिलेगा। तो आपके पास NYB के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक जिनका मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, नहीं देखी वीडियोस आप प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लेना। जो जो आपको प्रोडक्ट पसंद आता है आप ले लेना, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स खरीदोगे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बहुत हो गया ये सारी बातें, तो चलो आज इसका रिव्यू शेयर करते हैं। ये है इनके हाइलाइटर डियर, तो ये ऐसी वाली पैकेजिंग में आते हैं। फटाफट से मैं आपको ये दिखा दूँ। पहले तो NYB के नाइट स्काई इल्यूमिनेटर है, इनमें आई गेस दो ही शेड्स हैं। इसके ऊपर मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी, शेड नंबर वन है ये, ब्रॉन्जी सा शेड आप बोल लो ये, राइट, और एक है शेड नंबर ये गोल्डन। तो डियर, इसका मैं कार्डबोर्ड फेंक चुकी हूँ, और ये क्लेम क्या करते हैं मैं आपको फटाफट, यहाँ पे लिखा हुआ है इनहेंसेज द नेचुरल फीचर्स, क्योंकि जब आप इसको हाईलाइटर लगाओगे अपनी जहां पे आपके हाई पॉइंट्स होते हैं फेस के, तो आपको इनहेंस करेगा। लॉन्ग वेयर है, क्रीजलेस है, ब्लेंड्स लाइक ए ड्रीम, या ड्रीम की तरह बिल्कुल ये ब्लेंड हो जाते हैं। नेचुरल लुकिंग ग्लो देते हैं, हाईलाइट्स द हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस। हाईलाइटर जहां पे लगाते हो आपने वहां पे लगाना है। लाइट वेट फॉर्मूला, बिल्कुल सही, लाइट वेट फॉर्मूला, इतना हैवी नहीं लगता कि भैया बहुत कुछ लगा दिया। आज मैंने अपने फेस के ऊपर यही लगाए हुए, आप देख सकते हो नेचुरल सा ग्लो आएगा, इतना ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है, मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। बाकी डियर, इन्होंने अपने इंग्रेडिएंट्स वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं, एंड या इट कंटेन्स पैराबिन, ओके, इट कंटेन्स पैराबिन। इन्होंने तो जिन लोगों को पैराबिन के प्रॉब्लम से पैराबिन से प्रॉब्लम है तो मत लेना आप लोग, पैराबिन है इसके अंदर, ठीक है। बाकी इन्होंने अपना कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कस्टमर केयर नंबर, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते कि हमें प्रोडक्ट को रिटर्न करना है, ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, तो हमारा पार्सल कहाँ पे है हमें पता नहीं है। कस्टमर केयर पे कॉल कर लिया करो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। 3 ml इसकी क्वांटिटी है, और 199 rupees के ये इल्यूमिनेटर है। बट यार डिस्काउंट चल रहा है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, और आपको इसके 2 साल शेल्फ लाइफ भी मिल जाएगी। बहुत जल्दी जल्दी मैंने इनका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। दो ही कलर थे तो मुझे लगा क्या इतना ज्यादा आप लोगों को मैं थोड़ा सा जूम करती एंड दिखाती, तो चलो डियर यही था इसके ऊपर। एंड फटाफट से मेरे पास जो दो शेड्स हैं आपको मैं दिखा दूं। एंड या बाय द वे, अगर आप इनके कलर देखोगे तो बहुत इजीली आप इनको डिटेक्ट पता लग जाएगा आपको, ये नहीं है, कलर कोडेड है ऑब्वियस। पीछे इसके स्टिकर वगैरह भी दिया हुआ है, ये आई गेस शेड नंबर 3 होगा, देख सकते हो आप, ठीक है। ये बहुत, मतलब इतनी ज्यादा इसमें शाइन शाइन नहीं आएगी, मतलब डिसेंटली शाइन करेंगे, बहुत बुरी तरह से भी शाइन नहीं करेंगे। और ये है एक शेड नंबर 1, आज मैंने अपने फेस के ऊपर दोनों एक्चुअली यूज कर लिए हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे। एंड दोनों जो मैंने यूज किए हैं, अभी आपको इसका डेमो मिल जाएगा आगे वीडियो में। डियर अब मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर दूं, इतना ज्यादा ब्लेंड देख लो पहले तो आप, बहुत ईजिली ब्लेंड हो गए हैं, राइट। लाइट वेट फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है कि आप इसको आपको लगा लिए तो आपको लगेगा बहुत कुछ आप लोगों ने अपने फेस के ऊपर लगा लिया, नहीं, बहुत लाइट वेट फॉर्मूला है। जिनको इतना ज्यादा हैवी हाइलाइटिंग पसंद नहीं है, जिनको बहुत ज्यादा हाइलाइटिंग पसंद नहीं है, उन लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट वाला ऑप्शन है। आप देख सकते हो हल्की सी नो नेचुरल से फिनिश आती है। बाय द वे, आज मैंने एक और चीज इसके साथ की थी, मैंने अपने बीबी क्रीम में, NYB की बीबी क्रीम में ये पड़ी, इसके साथ मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया था मैंने इस गोल्डन को, तो थोड़ा सा यू नो आपका बेस भी आपका थोड़ा सा ग्लोई सा हो जाता है। 19-20 का फर्क पड़ता है, बहुत फर्क नहीं पड़ता है, 19-20 का फर्क पड़ता है। अभी मैं आपको शो करूंगी। एंड ये जो था ये मैंने इसको एज अ ब्रॉन्जर यूज किया था, अगर आप अभी देख सकते हो ये, या अगर आप ये देख सकते हो या ये देख सकते हो, तो डियर मैंने इसी के साथ किया है, मैंने और कुछ नहीं प्रोडक्ट यूज किया। ये भी बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है, इतना ज्यादा आपको शाइन नहीं आएगी, बट
हल्की फुल्की आएगी, बहुत ज्यादा वाली शाइन भी नहीं आएगी। हाँ अगर आप ये लगा रहे हो एंड अगर इसके ऊपर अगर आप कोई पाउडर कॉन्टोरिंग कर दोगे फिर तो मतलब लाइक यू नो बहुत अच्छा वाला आपकी यू नो कॉन्टोर हो जाएगा। हाईलाइटिंग का मटेरियल यही चक्कर है, अगर आप इसको नेचुरली अगर आप इसको यही रहने दोगे ठीक है तो ये इतना ज्यादा आपको लगेगा नहीं कि ये हाईलाइटेड है। जो सच बात है मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को कम हाईलाइटिंग पसंद है आप ऐसे ही रहने दो, अगर आपको ज्यादा हाईलाइटिंग पसंद है तो आप क्या करो ये लिक्विड हाईलाइटर के ऊपर वेरी लाइट सा हल्का सा ना आप ये वाला कर लो तो आप देख लेना कि आपका बहुत ज्यादा पाउडर हाईलाइटर तो ये बहुत ब्यूटीफुली ग्लो करेगा, बहुत ब्यूटीफुली। तो आज डियर मैंने ऐसे ही किया हुआ, मैंने पहले लिक्विड हाईलाइटर लगाया, मुझे इतना ज्यादा हाईलाइटिंग नहीं लग रही थी, डिसेंटली लग रही थी, हल्की सी मैंने पाउडर हाईलाइटर लगा दिया। इट वॉज चलो ये था इसका रिव्यू, फटाफट से इसका छोटा सा यार एक डेमो है आप वो देख लो कि कैसे मैंने इन दो प्रोडक्ट्स को अपने फेस के ऊपर अप्लाई किया है, यूज किया है, ताकि आप लोग डिसाइड कर सको आपको ये प्रोडक्ट लेना है नहीं लेना है क्या करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये दोनों इल्यूमिनेटर हैं, आज मैं आपको उनका यूज बताऊंगी। सबसे पहले आप देख लो मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन कर ली है एंड अब मैं लगाऊंगी NYB का प्राइमर, अच्छी तरह से अपने स्किन को प्राइम कर लूंगी मैं पहले, फिर मैं इस इल्यूमिनेटर को शेड नंबर 3 को NYB की बीबी क्रीम में मिक्स करूंगी। तो ये बीबी क्रीम थोड़ी सी ड्यूई फिनिश देगी, बहुत ज्यादा ड्यूई फिनिश नहीं आती है बट थोड़ी सी जरूर उसमें फर्क लग जाता है। आप देख सकते हो दोनों को मैंने ले लिया है एंड अच्छी तरह से दोनों को मैं मिक्स कर रही हूं। मिक्स करने के बाद मैं अब इनको डॉट 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 करके अपने फेस के ऊपर अप्लाई करूंगी एंड आप देख सकते हो कि इसके साथ बीबी क्रीम थोड़ी सी ड्यूई फिनिश आई है, बहुत ज्यादा नहीं पर हाँ थोड़ा सा फर्क जरूर लगा इसमें। अब मैं थोड़ी सी पाउडर सेटिंग कर लूंगी अपने फेस की एंड अब मैं जो हाई पॉइंट्स है मेरे फेस के वहां पे मैं इस इल्यूमिनेटर को लगाऊंगी, ब्रिज ऑफ द नोज हो गया या फिर चीक्स का एरिया हो गया वहां पे लगाऊंगी मैं, चीक बोन हो गए। इसके साथ आप देख सकते हो कितने नेचुरल सा ग्लो आ जाता है। अगर आपको सिर्फ इतना ही ग्लो चाहिए तो अच्छी बात है, अगर आपको थोड़ा सा और चाहिए तो आप अपना पाउडर हाइलाइटर लगा सकते हो, उसके बाद तो लाइक बहुत ज्यादा सुंदर लुक आ जाती है एंड ये थोड़ा सा ये सेट भी हो जाता है लिक्विड इल्यूमिनेटर। तो अब ये जो ब्रॉन्जी सा कलर है उसके साथ मैं अपने फेस की पूरी कॉन्टोरिंग करूंगी, आप देख सकते हो इजिली ब्लेंड हो जाता है फिंगर्स के साथ ही। ये शेड नंबर 1 था ब्रॉन्ज में, तो अगर आपको ये लेना है तो आप ये ले सकते हो, अगर आपने कोई पार्टी फंक्शन का लुक करना है तो डियर आपने ये लगा लिया एंड बहुत सही वाली लुक हो जाती है इसके साथ। इतना अब आपने इन दोनों प्रोडक्ट्स के रिव्यू भी देख लिए एंड डेमो भी देख लिया, मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने अपने फेस के ऊपर इसको कैसे अप्लाई किया है। तो यार डियर यही थी आज की वीडियो एंड इनके ऊपर ऑफर चल रहा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना, परचेज लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी, कूपन कोड वगैरह आप लगा लेना, 50% तक ऑफ है। कैसे ऑफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जाके चेकआउट करो, वैसे मैं एक बार आपको मेंशन कर चुकी हूँ। ठीक है डियर, मेरी तरफ से अगर आप इन प्रोडक्ट्स को लोगे तो ठीक है, बट इतने ज्यादा हाईली पिगमेंटेड नहीं है, डिसेंटली पिगमेंटेड है। अदरवाइज अगर इन्होंने जो भी चीजें बोली हैं कि ये लाइट वेट फॉर्मूला है, लॉन्ग वेयर तक चलेगा, आपके नेचुरली इनहेंस करें, हाँ जिन लोगों को ओवर हाईलाइटिंग नहीं पसंद होते उनको होता हल्का सा यू नो हम डैब कर लें, लाइक एक एज आ जाती है जब आपको ओवर हाईलाइटिंग नहीं अच्छी लगती, आपको लगता है बस हल्की सी ना स्किन ग्लो करे, तो उसके लिए बहुत सही है। प्लस एक और चीज है, अगर आप इसको अपने बीबी क्रीम में मिक्स कर लेते हो हल्की सी आपको यू नो नेचुरल सा ग्लो लगेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगेगा बट हल्का लगेगा। सो दिस वॉज द वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर कर देना एंड या चिल्लन बाय।